फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहार। वेलकम टू माय चैनल नीटिंग लेसन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक सिंगल कलर का डिजाइन लेकर आई हूं। आज मैं आपको डिजाइन बनाना सिखाऊंगी कि ये डिजाइन कैसे बनाया जाता है। फ्रेंड्स, इस डिजाइन को आप लेडीज कार्डिगन, लेडीज जैकेट, बच्चों के स्वेटर, फ्रॉक, कुर्ती, कैप, जेंट्स स्वेटर किसी में भी अप्लाई कर सकती हैं। ये डिजाइन सब में बहुत ही सुंदर लगता है और बनाने में बहुत ही आसान है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें फंदे सेट करना बता देती हूँ। ये डिजाइन सेट करने के लिए आपको 7 के मल्टीपल फंदे लेकर के 2 फंदे एक्स्ट्रा लेने होंगे, तो आपका ये डिजाइन बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स, मैंने 37 फंदे लिए हुए हैं, यानी 7 के मल्टीपल के हिसाब से देखे तो 35 और 2 उसमें प्लस किए तो हमारे हो गए 37 फंदे। ये डिजाइन फ्रेंड्स हमारा सीधी साइड से शुरू होता है, तो आप जब भी किसी प्रोजेक्ट में इसे अप्लाई करो तो सबसे पहले आप अपना बॉर्डर वगैरह तैयार कर लीजिएगा, और जो अगर फंदे बढ़ाने हो तो उल्टी साइड से फंदे बढ़ा करके सीधी साइड से इस डिजाइन की हमें स्टार्टिंग करनी होती है। तो देखिए पहली सिलाई इसकी कैसे बनेगी। देखिए फ्रेंड्स, पहली सिलाई आप कैसे बनेगी ध्यान दीजिएगा। 2 फंदे उल्टे बनेंगे, इसमें धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे उल्टे, अब धागा पीछे कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, ये जो मैं आपको सिलाई यहां से बता रही हूं, यही स्टार्टिंग आपको जो पहली सिलाई होगी वहां से करनी है, इसलिए आप इस पहली सिलाई पर ध्यान दीजिएगा कि कैसे बनेगी। 2 फंदे उल्टे बनाकर धागा पीछे और 5 फंदे सीधे, 1, 2 और ये 3, 4 और ये 5। 5 फंदे सीधे बना करके धागा आगे कर लीजिए और फिर 2 फंदे उल्टे, 1 और ये 2, धागा फिर से पीछे कर लीजिएगा और 5 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4 और ये 5। 5 फंदे सीधे बनाकर धागा आगे घुमा लीजिए और 2 फंदे उल्टे, 1 और ये 2, फिर से धागा पीछे कर लीजिए और 5 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4 और ये 5। 5 फंदे सीधे बनाकर धागा आगे कर लीजिए और 2 फंदे उल्टे, 1 और ये 2, फिर से धागा पीछे और 5 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4 और ये 5, धागा आगे कर लीजिएगा और 2 फंदे उल्टे, 1 और ये 2, धागा फिर से पीछे कर लीजिएगा और 5 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4 और ये 5, फिर से धागा आगे कर लीजिएगा और 2 फंदे उल्टे। जब आप इस पैटर्न को फ्रेंड्स सेट करोगे तो आपका जो है लास्ट में 2 फंदे उल्टे ही आएंगे, इसीलिए मैंने आपको बोला है कि 7 के मल्टीपल फंदे रख के 2 फंदे एक्स्ट्रा रखने होंगे। अब आजिए इसकी उल्टी सिलाई पर और दूसरी सिलाई पर। देखिए फ्रेंड्स, उल्टी साइड से इसकी लुक ऐसी होती है। तो उल्टी सिलाई कैसे करनी है, धागा पीछे की तरफ करके, यहाँ पर अगर आपको पहला फंदा उतारने की आदत हो तो फ्रेंड उतार लीजिए, मैं हमेशा बना कर लेती हूँ। तो देखिए 2 फंदे हमारे ये सीधे, धागा आगे और 5 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4 और ये 5। जो 5 फंदे हमने सीधी साइड से सीधे बनाए थे वो उल्टी सिलाई पर हमारे उल्टे बनेंगे, और जो 2 फंदे हमारे सीधी साइड पर उल्टे बने थे वो सीधी उल्टी साइड पर हमारे सीधे बनेंगे। अब देखिए धागा पीछे और 2 फंदे सीधे, धागा आगे और 5 फंदे उल्टे, देखिए इसी तरह से, और अब धागा पीछे और 2 फंदे सीधे, अब धागा आगे और 5 फंदे उल्टे, इसी तरह से करते हुए आपको ये पूरी सिलाई बुननी है। 5 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, इस तरह से करते हुए आपको अपनी ये दूसरी सिलाई कंप्लीट करनी है। ये देखिएगा, ये 5 फंदे हमारे उल्टे हो गए हैं और लास्ट के जो 2 फंदे हैं वो हमारे सीधे हो गए।
ये हमारी दो सिलाई फ्रेंड्स कंप्लीट हो गई हैं। अब आ जाइएगा इसकी तीसरी सिलाई पर और सीधी साइड पर। तीसरी सिलाई इस डिजाइन में बिल्कुल पहली सिलाई के जैसे ही बनेगी। देखिए, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे और पांच फंदे सीधे। इसी तरह से ये तीसरी सिलाई कंप्लीट करनी है। ये मैं आपको पूरी बनाकर ही दिखा देती हूँ फ्रेंड्स, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये देखिएगा, पांच फंदे सीधे, अब धागा आगे और दो फंदे उल्टे, फिर से धागा पीछे और पांच फंदे सीधे। देखिए, दो तीन चार और ये पांच, धागा आगे एक और ये दो फंदे उल्टे, धागा पीछे और पांच फंदे सीधे। पांच फंदे सीधे बना करके फिर से धागा आगे कर लीजिएगा और दो फंदे उल्टे। ये डिजाइन बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। आठ सिलाई में हमारा ये डिजाइन कंप्लीट हो जाता है। ये हमारी तीसरी सिलाई है, ये देख लीजिएगा। अब धागा आगे और लास्ट के दो फंदे उल्टे। अब आ जाइए इसकी चौथी सिलाई पर और उल्टी साइड। चौथी सिलाई हमारी दूसरी सिलाई के जैसे ही बनेगी। देखिए, ये दो फंदे हमारे जो सीधी साइड पे उल्टे थे वो उल्टी साइड हमारे सीधे हो गए, और जो पांच फंदे हमारे सीधे थे वो उल्टी सिलाई पर उल्टे हो जाएंगे। ये देखिएगा, इसी तरह से करते हुए आप अपनी ये चौथी सिलाई कंप्लीट कर लेना। देखिए फ्रेंड्स, अब आ गई है इसकी पांचवी सिलाई और सीधी साइड। अब पांचवी सिलाई पर आप ध्यान दीजिएगा कि कैसे करना है। देखिए फ्रेंड्स, ये दो फंदे हम पहले इसके उल्टे बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करके दो फंदे उल्टे। अब हमने यहाँ पर एक जाली बनानी है। देखिए कैसे बनानी है, इस तरह से धागा सिलाई के ऊपर से लपेट लेंगे। ये हमारी यहाँ पर जाली बन गई है। ये जो पांच फंदे हैं, इनमें से अब हमने क्या करना है, ये वाला फंदा हम उल्टा बनाएंगे और ये जो तीन फंदे हैं हमारे, इनका हम तीन का एक करेंगे और इसका अगला फंदा भी उल्टा बनाएंगे। तो देखिए, इस पांच में से हमने ये वाला फंदा उल्टा बनाया और इन तीन फंदे को ऐसे एक साथ लेकर के तीनों का एक फंदा बना देंगे। फंदा हमने उल्टा ही बनाना है, अगला फंदा हमने उल्टा बनाया। ये देखिए, पांच में से हमारे यहाँ पर तीन हो गए, लेकिन हमने यहाँ पर एक जाली बनाई है तो एक फंदा हमारा बढ़ गया। अब एक फंदा यहाँ पर बढ़ाना है। तो देखिए कैसे करेंगे, इस तरह से सिलाई पर धागा लपेट लेंगे, अपनी तरफ ही धागा रहे, सिलाई ये हमारी पूरी उल्टी ही बनेगी फ्रेंड्स। देखिए, एक जाली इधर हो गई, एक इधर हो गई, अब दो फंदे ये उल्टे, धागा अपनी तरफ ही रहे। ये देखिएगा, अब हमने यहाँ पर एक जाली डालनी है, इस तरह से लपेट के एक जाली बना देंगे। इस पांच में से अब ये पहला फंदा हम उल्टा बुनेंगे, बीच के तीन फंदे का एक कर देंगे। ये देखिएगा, तीन फंदे को इस तरह से एक साथ लेंगे और तीन का एक बना देंगे। अब ये वाला फंदा है जो हमारा इस पांच में से, इसे भी उल्टा बना देंगे। हमने देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर एक जाली बनाई है, यहाँ तीन का एक किया तो दो फंदे कम हुए, एक जाली से यहाँ बढ़ गया, एक अब यहाँ बढ़ाएंगे। तो देखिए, इस तरह से लपेट लेंगे सिलाई के ऊपर से इस धागे को, तो यहाँ पर हमारी जाली बन गई, दो फंदे उल्टे, धागा आगे ही रहे। अब देखिए, एक जाली हमने यहाँ बनानी है, तो यहाँ ऐसे लपेट लेंगे इस सिलाई के ऊपर धागे को, और इस पांच में से एक फंदे को पहले उल्टा बुनेंगे और बीच के तीन का एक कर देंगे। तीन का एक करके ये वाला जो पांच में से फंदा है, इसे भी उल्टा बना लेंगे। अब एक जाली यहाँ बनानी है, तो धागा इस तरह से लपेटेंगे सिलाई के ऊपर से और यहाँ हमारी जाली बन गई, अब ये दो फंदे उल्टे। अब देखिएगा, धागा अपनी तरफ है, ऐसे लपेट के पहले एक जाली बना लीजिएगा, इस पांच में से इस पहले फंदे को उल्टा बुन लीजिएगा और ये जो तीन फंदे हैं, इस तरह से एक साथ लेंगे इनको और तीन फंदे का एक बना देंगे। अगला फंदा देखिए, ये पांच में से ही है, इसे भी उल्टा बना देंगे। अब एक जाली इधर बनी है, एक इधर बनेगी, इस तरह से लपेटेंगे और एक जाली बना लेंगे, दो फंदे उल्टे, धागा अपनी तरफ ही रहे, एक जाली यहाँ पर इस तरह से लपेट के बना देंगे। अब ये जो आगे के पांच फंदे हैं, इनमें से पहले एक फंदे को उल्टा बुनेंगे, फिर ये जो बीच के तीन है, इन तीनों को ऐसे सिलाई पर लेकर के तीन का एक कर देंगे, ये वाले फंदे को उल्टा बुनेंगे। अब देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारे पांच में से यहाँ तीन रहे, तो एक जाली यहाँ बन गई,
एक जाली हम इस तरह से लपेट के यहां बना देंगे और लास्ट के दो फंदे उल्टे। अब आ जाइएगा फ्रेंड्स इसकी छठी सिलाई पर। छठी सिलाई में अब हमने ऐसे ही बनाना है, ये दो फंदे हमारे सीधे, धागा पीछे करके दो फंदे सीधे, पांच फंदे हमने उल्टे बुनने। देखिए ये जो हमारा जाली से बढ़ा हुआ फंदा है इसे हम उल्टा बुनेंगे। और ये देखिए ये पांच से जो हमारे तीन हुए थे ये भी हमारे उल्टे हो गए। तो देखिए जाली वाला एक दो तीन और ये चार, और ये इधर की जाली वाला मिला के हमारे पांच फंदे ही हो गए हैं। तो धागा पीछे दो फंदे सीधे, धागा आगे और पांच फंदे उल्टे, एक दो और ये तीन चार और ये जाली वाला पांच, धागा पीछे और दो फंदे सीधे, धागा आगे और देखिए ये जाली वाला एक और ये दो तीन चार और इधर की जाली वाला मिला के हमारे पांच फंदे उल्टे हो गए। धागा पीछे दो फंदे सीधे, धागा आगे करके देखिए एक दो तीन चार और ये इधर की जाली वाला पांच, ये पांच फंदे हमारे उल्टे हो गए। धागा पीछे और दो फंदे सीधे, एक दो, धागा आगे करके देखिए ये जाली वाला एक फिर ये दो तीन और ये चार और इधर की जाली वाला मिला के बीच के हमारे पांच फंदे उल्टे बन गए। धागा पीछे और दो फंदे सीधे। अब आ जाइए इसकी सातवीं सिलाई और सीधी साइड पर। अब देखिए कैसे करना है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। दो फंदे हम ये उल्टे बनाएंगे, एक और ये दो, धागा पीछे घुमा लीजिएगा। ये जो हमारा जाली से फंदा बना हुआ है इस फंदे को हम सीधा बना देंगे। सीधा बनाने के बाद देखिए अब हमने यहाँ पर एक जाली बनानी है और ये जो पांच में से तीन फंदे बचे हैं इन तीन का एक करना है। तो धागा आगे करके इस तरह से लपेट के एक जाली बनाएंगे और ये जो तीन फंदे हैं इन तीन का हम एक कर देंगे। अब देखिए धागा आगे ही रहे, ये जो जाली वाला फंदा है इसको भी हमने सीधा बुनना है। तो देखिए धागा आगे करके इस तरह से बना देंगे तो यहाँ एक जाली बन गई है और एक इधर हो गई है। तो देखिए दो जाली के इधर हैं, दो इधर हैं और एक के बीच में, ये हमारे वापस पांच के पांच ही रह गए। धागा आगे करके दो फंदे उल्टे, फिर से धागा पीछे और ये जाली से बना हुआ फंदा हम सीधा बनाएंगे, धागा आगे करेंगे और इस तरह से लपेट कर एक जाली बना देंगे। ये जो तीन फंदे हैं इन तीन का एक कर देंगे। ये जो जाली है इसको हमने सीधा बनाना है, तो धागा आगे ही रहे और इस तरह से ले जा करके इसको सीधा बना देंगे। तो एक जाली हमारी यहां बन गई, धागा आगे दो फंदे उल्टे, धागा पीछे करके ये जाली वाला फंदा हम पहले सीधा बनाएंगे, धागा आगे करके और लपेट के एक जाली बना देंगे। ये जो तीन फंदे हैं इन्हें हम उल्टा बन के एक बना देंगे तीन का। अब देखिएगा ये जो जाली वाला फंदा इसको सीधा बनाना, तो धागा अपनी तरफ रहे और इस तरह से करके इसे सीधा बुन देंगे तो यहाँ एक जाली बन गई। धागा आगे दो फंदे उल्टे, फिर से धागा पीछे और ये जाली वाला फंदा हम सीधा बनाएंगे, धागा आगे करके इस तरह से लपेट के पहले एक जाली बना लेंगे और ये जो तीन फंदे बचे इन तीन का एक फंदा बनाएंगे और फंदा उल्टा बुनेंगे। अब देखिएगा ये जो फंदा इसे सीधा बनाना जाली वाले को, तो धागा आगे रहे और इस तरह से लेके इसे सीधा बना देंगे, धागा आगे करके दो फंदे उल्टे, धागा हम पीछे करेंगे और ये जाली वाला फंदा सीधा बुन देंगे, फिर से धागा आगे करके और लपेट के एक जाली बनाएंगे। ये जो तीन फंदे हैं इन तीन का एक फंदा बुनेंगे, फंदा उल्टा ही बुनना है। इस जाली वाले को सीधा बनाना है, धागा आगे ही रहे और इस तरह से ले जा करके इसको सीधा बना देंगे तो यहाँ एक जाली बन गई, धागा आगे करके लास्ट के दो फंदे उल्टे। पूरी सिलाई हमारी ये जो सातवीं सिलाई है इसी तरह कंप्लीट होगी। अब आ जाइएगा फ्रेंड्स इसकी आठवीं सिलाई पर। आठवीं सिलाई में सेम ऐसे ही बनेगी, जो फंदे सीधे हैं, दो फंदे तो हैं सीधे और बाकी के पांच हमारे उल्टे हैं, तो आपको ऐसे ही बनाना है। जो फंदे सीधे हैं उनको सीधा बना लीजिएगा और जो उल्टे हैं उन्हें उल्टा बना लीजिएगा आपकी आठवीं सिलाई पर।
देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से 8 सिलाई में हमारा ये एक डिजाइन कंप्लीट होता है। यही 8-8 सिलाइयां आपको बार बार रिपीट करते हुए जानी है, तो आपका ये डिजाइन देखिए इस तरह से बनके तैयार हो जाएगा। अब आपको एक बार फिर से इस डिजाइन को स्टार्ट कैसे करना वो आपको करके दिखा देती हूँ। देखिए 8 सिलाई बनने के बाद जब 9वीं सिलाई आपकी सीधी साइड से आएगी तो सेम ऐसे ही करना है जैसे हमने शुरुआत की थी। देखिए दो फंदे हम जो है इसके उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे और ये जो पांच फंदे बीच में है इन्हें हम सीधा बनाएंगे। देखिए एक, और ये जो जाली वाला था दो, और ये जो देखिए तीन बीच में है ये हमारा हो गया तीन, ये चार, और ये वाला फंदा पांच। धागा आगे और दो फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे और पांच फंदे सीधे, एक दो तीन चार और ये पांच। धागा आगे और दो फंदे उल्टे, धागा पीछे और पांच फंदे सीधे, एक दो तीन चार और ये पांच। धागा आगे करके दो फंदे उल्टे, फिर से धागा पीछे और ये पांच फंदे सीधे, देखिए दो तीन चार और ये पांच। धागा आगे करके दो फंदे उल्टे, फिर से धागा पीछे और पांच फंदे सीधे। फ्रेंड्स, इस तरह से इस डिजाइन का जब हम सेकंड वाला पोर्शन बनाएंगे तो इस तरह से बनेगा। यही आपने इसकी शुरुआत करनी है, उल्टी सिलाई पर फिर वही करना है, दो फंदे सीधे पांच उल्टे दो फंदे सीधे। यही 8-8 सिलाइयां आप रिपीट करते हुए जाएंगी तो बहुत ही प्यारा सा आपका डिजाइन बन जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये डिजाइन पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका आपको पसंद आया हो, तो प्लीज आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले सारे वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।